याद रखिए, जो करंट का इवेंट है कि बिहार में जो है ना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हो रहा है, पूरे इंडिया में सेकंड है ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये। पहला कौन सा है, वो है केन बेतवा, यानी कि केन और बेतवा नदी। केन नदी जो मध्य प्रदेश की है और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश की, दोनों को हम मिला रहे हैं। उसी के तर्ज पे सेकंड है, इंडिया का सेकंड इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है कोसी मेची। तो कोसी जो है वो हमारे यहाँ से आ रहा है, और मेसी जो है ना, मेसी वो हमारा महानंदा का एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। हाय एवरीवन, सो ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं बिहार की। तो इसके पहले हमने बिहार का ओवरव्यू देखा था कि हमारा क्या टॉपिक होगा, हम कैसे उसको पढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे। फिर हमने देखा फिर ज्योग्राफिक डिविजन्स ऑफ बिहार। फिर उसके बाद हमने देखा रॉक सिस्टम्स ऑफ बिहार, कि क्या क्या रॉक सिस्टम्स हमारे मिलते हैं बिहार में। उसके बाद हमने देखा था कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है, क्योंकि हम सबको पता है कि नॉर्थ बिहार जो है ना हमारा, नॉर्थ बिहार वो बाढ़ से बहुत होता है पीड़ित, अफेक्टेड है। और ये साउथ बिहार है ना, ये वाला, ये साउथ बिहार हमारा बहुत हद तक सूखा से पीड़ित है, यानी कि अफेक्टेड है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, नदियों के बारे में। तो इस क्लास को पढ़ने के लिए दो चीज़ें, पहला कि पिछला वीडियो अगर नहीं देखा आपने, कि एक मैंने ये जनरल वे में बताया है कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है, आखिर इसका फिजियोग्राफिक पोजीशन कैसा है बिहार का, और जो रिलीफ है ना, टोपोग्राफी, वो ऐसा है कि हमारा बाढ़ जो है सबसे ज़्यादा नॉर्थ बिहार में आता है। और ऐसे भी इस नदी को पढ़ने के लिए, बिहार की नदियों को पढ़ने के लिए एक इमेज एकदम क्लियर होना चाहिए, वो ये कि बिहार जो है नॉर्थ से लेकर सेंटर पोजिशन तक स्लैंटेड है, उसमें टेंजेंट एक हमारा स्लोपिंग एरिया है, और साउथ बिहार से लेके यहाँ पे सेंटर पोजिशन तक ये भी एक स्लैंटेड एरिया है, यानी कि ये बीच में एम शेप का बनता है, ऐसा ऐसा बन जाएगा, ठीक है, एक डिप्रेशन एरिया बनता है बीच में। तो नदियों के बारे में पढ़ने से पहले दो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बिहार में मिली नदियाँ कहाँ कहाँ से आती हैं। एक आता है हमारा नॉर्थ साइड से, और एक हमारा आता है साउथ साइड से। तो जो नॉर्थ साइड की नदियाँ आती हैं ना, वो आती हैं हिमालय से, सालों भर लबालब पानी रहता है। और ये जो साउथ बिहार की नदियाँ आती हैं, वो आती हैं छोटा नागपुर प्लेटू से और विंध्य की पहाड़ियों से, क्लियर है। तो आज की जो वीडियो है ना, उसमें हम पढ़ेंगे नॉर्थ बिहार की नदियों के बारे में, सिर्फ नॉर्थ बिहार के बारे में, कि इसमें नदियाँ कौन कौन सी आती हैं, कहाँ से आती हैं, बिहार में पहले कहाँ आती हैं, और गंगा में कहाँ मिलती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इन सारे नहरों पे, ये नदियों पे अलग अलग कैनाल सिस्टम भी हैं, तो कैनाल सिस्टम को हम कवर करेंगे अच्छे से वीडियो में, अलग वीडियो में, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ भी हम इसका जिक्र करेंगे, ताकि साथ ही साथ यहाँ भी दिमाग में याद हो जाए, ठीक है। देखिए, और ये जो भी नदियाँ रहेंगी ना, ये सारी नदियाँ मैंने, हर एक नदी कहाँ से निकलती है और गंगा में कहाँ मिलती है, और बाजू में एक मैप बना दिया है, ताकि एकदम पूरा क्लियर लोकेशन भी क्लियर होता जाए, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक में सिंपली लिख दिया है एक जगह का नाम, लेकिन वो जगह बिहार में कहाँ है वो साथी के साथ देख लेंगे ना, तो दिमाग में बैठ जाएगा। तो ब्रीफली देख लीजिए कि बिहार में नदियाँ कौन कौन सी हैं। नॉर्थ बिहार की नदियों की बात करेंगे तो एकदम क्रम वाइज आपको याद रखना है, एकदम सीरियल वाइज, इधर से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक अगर हम बात करेंगे, तो घाघरा, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, और फिर महानंदा, क्लियर है। उसके बाद साउथ में जब हम आएंगे ना, तो साउथ में हमारा क्या हो जाएगा, कर्मनासा, फिर सोन, फिर पुनपुन, फिर फल्गु, फिर अजय, फिर केउल, और फिर चंदन, ये सीक्वेंस हो गया हमारा। तो हम शुरू करते हैं नॉर्थ बिहार की नदियों के बारे में। तो सबसे पहला जो वेस्टर्न साइड का ना, सबसे पहला वो है हमारा घाघरा। घाघरा यानी कि इसको हम बोलते हैं सरयू, कहाँ, यूपी में, और जब बिहार में इंटर कर जाता है इसको बोलते हैं घाघरा। तो ये जो घाघरा है ना, ये यूपी से एक सटा हुआ हमारा जो इलाका है, वहाँ पे बिहार में ये इलाका है आपका सिवान, यहाँ पे इंटर करता है, तो एक बाउंड्री बनाता हुआ एरिया, बनाता हुआ सिवान में घुसता है, और पटना में ये छापरा में एक जगह है रेविलगंज, वहाँ पे जाके गंगा में मिल जाता है। तो अगर हम बात करेंगे इस घाघरा के लोकेशन का, कि बिहार में कहाँ इंटर करता है, तो बिहार में इंटर करता है वो सिवान जिला में। ये देखो आप, सिवान जिला बिहार में, और ये पोजीशन है इसका सिवान का, ठीक है। गंगा में कहाँ मिलता है, तो गंगा में मिलता है आपको रेविलगंज, यहाँ पे देखो एक छपरा में एक जगह है, वहाँ मिलता है, ठीक है। सिवान में इंटर किया,
और यहाँ पे एक जगह है रेविलगंज छपरा में, सारण जिसको बोलते हैं, वहाँ पे गंगा में जाके मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स हमको याद रखने होते हैं नदियों के, वो अगर हम बात करें तो ये जो हमारा घाघरा है ना, चूँकि मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि ये दुआब बहुत बनाता है, दुआब या फिर चौर्स भी बोलते हैं, चौर एक लो लाइंग एरिया होता है और दुआर जो होता है, दुआब जो होता है, वो दो दो पानी के बीच में एक हाई मतलब एक बड़ा हिस्सा एक ज़मीन बच जाता है, उसको दुआब बोलते हैं। तो ये एक फेमस प्रॉपर्टी है घाघरा का कि चौर्स भी बनाता है और दुआब भी बनाता है। तो यहाँ पे घाघरा गंडक दुआब का भी इलाका बनता है, सिवान आपको सारण हो गया, गोपालगंज हो गया, ये वाला इलाका में, ठीक है। और अगर बात करें तो ये जो दियारा लैंड है ना, दियारा लैंड ये 4 से 6 किलोमीटर की लंबी चौड़ी एक हमारी एरिया बन जाती है, दियारा लैंड बनाता है ये। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अदर नेम में, तो सरयू कहते हैं इसे हम यूपी में, साथ ही साथ देवहा, गोगरा और करनाली नेपाल में। अब ये जो है ना रिवर घाघरा, जो सरयू हमारा यूपी में है, और इसी को हम कहते हैं करनाली कहाँ पे, नेपाल में। तो ये हो गया हमारा घाघरा के बारे में। सेकंड जो हमारा रिवर आता है वो आता है गंडक। अब गंडक जो है वो कहाँ से निकलता है? तो गंडक जो है वो निकलता तो हिमालय की चोटियों से ही है, लेकिन बिहार में कहाँ इंटर करता है? तो बिहार में वो इंटर करता है त्रिवेणी, एक जगह है त्रिवेणी जहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी। वाल्मीकि नगर हमारा एक छोटा सा टाउन है, कहाँ पे, वेस्ट चंपारण में। तो वाल्मीकि नगर में ये इंटर करता है गंडक। यही बात मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो आप त्रिवेणी है ना, यहाँ पे वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में एक जगह है, वहाँ पे इंटर करता है ये हमारा गंडक त्रिवेणी, ठीक है। और उसके बाद हाजीपुर पटना, वहाँ पे जाके वो गंगा में मिल जाता है। बेसिकली सोनपुर और हाजीपुर के बीच में वो मिलता है, सोनपुर और हाजीपुर। सोनपुर कहाँ, देखो पटना है ना, तो पटना हमारा ईस्ट साइड में हमारा हो गया, मतलब गंगा उस पर इस साइड में हाजीपुर, और इस साइड सोनपुर, यानी कि सोनपुर कहाँ, छपरा में। तो उसी दोनों के बीच में आके मिल जाता है ये गंडक। और ये जो हमारा सोनपुर हाजीपुर का छोटा सा इलाका है ना, उसको हम बोलते हैं हरिहर क्षेत्र, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हरिहर क्षेत्र, बोलते हैं इसको हरिहर क्षेत्र, ठीक है। तो गंडक बिहार में कहाँ एंटर होता है? वो होता है त्रिवेणी यानी कि वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में। साथ ही साथ गंगा में कहाँ मिलता है? तो हाजीपुर के पास, सोनपुर हाजीपुर के पास, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि तीन नदी जो कि मिल रही है, मैंने क्या बोला, त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी एक जगह जहाँ पे मिलता है उसको त्रिवेणी बोलते हैं, तो वहाँ तीन नदियाँ मिलता है, पंचनाद सोनहा और गंडक, तीन नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इसको वहाँ पर त्रिवेणी कहते हैं। तो पूछता है कि जहाँ पे गंडक त्रिवेणी जहाँ पे इंटर करता है, वहाँ पे दो और कौन सी नदियाँ हैं? तो पंचनाद और सोनहा। उसके बाद है कि अदर नेम ऑफ गंडक, गंडक को और कौन कौन से नदी से हम नाम से पुकारते हैं? जैसे घाघरा को हम सरयू बोलते हैं यूपी में, और कल्याणी बोलते हैं, करनाली बोलते हैं नेपाल में, करनाली नेपाल में, वैसे ही गंडक को भी बोलते हैं सदानीरा, हम प्राचीन एंशियंट नेम ऑफ गंडक की सदानीरा। और इसका अगर हम बात करें तो सालग्रामी, नारायणी, नारायणी इसको बोलते हैं गंडक को कहाँ, नेपाल में, नारायणी। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। तो ये हमारा बात हो गया गंडक का, कहाँ मिलता है और यहाँ पे बिहार में कहाँ मिलता है और गंगा में कहाँ मिलता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है बूढ़ी गंडक। अब बूढ़ी गंडक जो है ना वो कहाँ से निकलता है? ये निकलता है सोमेश्वरेन से। मैंने जब फिजियोग्राफी की क्लास पढ़ाई थी तो उसमें क्या था कि बिहार को तीन डिवीजन्स में बांटने, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, एक होता है सोमेश्वर रेंज, दूसरा होता है गंगटिक प्लेन, और तीसरा होता है साउदर्न प्लेटू रीजन ऑफ बिहार। तो जो हमारा सोमेश्वर रेंज था ना, उसमें तीन चीज़, उसमें तीन रीजन्स मेन थे, तीन आपको याद होगा, अगर नहीं दिया तो फिर रिवाइज करा देता हूँ। सोमेश्वर का हिली रेंज था, प्लस रामनगर दून, और बीच में था हरहा वैली जहाँ से हरहा नदी निकलती थी, ठीक है। उसी में से सोमेश्वर रेंज जो है ना वेस्ट चंपारण में, वहाँ से निकलती है बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर रेंज से, ठीक है। तो यहीं पे कह रहा है कि ये निकलता है सोमेश्वर हिल से निकलता है, और जहाँ से सोमेश्वर हिल में एक जगह है ना जहाँ से वो निकलता है, वो हमारा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चौतरवा चौर कहते हैं, ठीक है, वेस्ट चंपारण में। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है कि ये गंगा में कहाँ मिलता है? तो गंगा में ये मिलता है गोगरी खगड़िया में, और कुछ पार्ट अगर हम बहुत सारे बुक में लिखा है, कहीं कहीं मुंगेर में भी मिलता है, मुंगेर के नॉर्थ पार्ट में। तो बेसिकली वो गोगरी खगड़िया में मिलता है ये।
होता यह है कि ये यहाँ पे आके कई ब्रेडेड चैनल्स में बढ़ता है, लेकिन फाइनली जाके गोगरी खगड़िया में जाके मिल जाता है। तो ये लोकेशन आप याद रखिएगा, देखो यहाँ से निकल रहा है सोमेश्वर एन से और ये यहाँ से होते 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 खगड़िया तक आ रहा है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बूढ़ी गंडक है ना, वो बहुत तेज़ धार वाला नदी है, पूरे नॉर्थ बिहार में बहुत तेज़ी से बहने वाली नदी है ये, इसका स्पीड काफ़ी हाई होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है ना एक्चुअली सोमेश्वर हिली रेंज से निकल रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, हरहा नदी भी है, तो मसान नदी भी, जैसे यहाँ पे अगर हम हरहा मसान नदी के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं, तो हरहा मसान रिवर जो है ना, जहाँ से निकलता है सोमेश्वर रेंज से मसान, उस रीजन में जहाँ से वो निकलता है उसको हम बोलते हैं हरहा, और जब वो नीचे निकल के आता है ना तो उसी को फिर हम बोलते हैं हरहा मसान, और यही हरहा मसान रिवर बाद में आके हमारा बूढ़ी गंडक हो जाता है। बूढ़ी गंडक तो लोअर पार्ट जो है ना जहाँ से आ रहा है ये पार्ट, इसको हमने बूढ़ी गंडक बोलते हैं, और जो अपर पार्ट सोमेश्वर रेंज में जहाँ पे रहता है ना उसको हम हरहा मसान कहते हैं, हरहा मसान रिवर कहते हैं, याद रखिएगा। ये बूढ़ी गंडक के बारे में हो गया। तो तीन आपने रिवर देखा ऊपर का, अब आता है बात हमारा बागमती के बारे में कि बागमती कहाँ से निकलती है। तो बागमती के लिए देखिए यहाँ पे, बागमती और कमला दो नदियाँ हैं जो कि नेपाल की महाभारत रेंज से निकलती हैं, महाभारत, ठीक है। और अगर बागमती की बात करें तो ये सीतामढ़ी एक जगह है, ये देखो यहाँ पे एक जगह है सीतामढ़ी, यहाँ से वो निकलता है, और ऑलमोस्ट बूढ़ी गंडक है ना ये, इसके ऑलमोस्ट पैरेलल चलता है, ऑलमोस्ट पैरेलल, याद रखिएगा। अब बूढ़ी गंडक ऑलमोस्ट पैरेलल चलता है, और चलने के बाद इसका कुछ पार्ट जो है वो बूढ़ी गंडक में मिलता है और कुछ पार्ट आगे जाके कोसी में मिल जाता है, बाइफर्केट होता थोड़ा सा। तो ये निकलता कहाँ से है, सीतामढ़ी से, और समस्तीपुर में जाके, समस्तीपुर में रोसेरा एक जगह है, तो रोसेरा समस्तीपुर में जाके ये मिल जाता है, ठीक है। कहाँ मिलता है, बूढ़ी गंडक में, ये पार्ट आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा बागमती के बारे में। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें बस हमारा ये क्या है कि फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू बूढ़ी गंडक, ये बूढ़ी गंडक के ऑलमोस्ट पैरेलल चलता है। हालांकि यहाँ से उतना क्वेश्चंस नहीं बनता है, अगर पूछ भी लेगा ना तो सिंपली ये पूछेगा कि ये निकलता कहाँ से, क्योंकि मिलने वाला जो जगह है ना वो एग्जैक्ट डिफिनिट नहीं है। बहुत सारी बुक में अलग अलग लोकेशन दिया है, कहीं दिया है कि वो समस्तीपुर में मिलता है, कहीं बोलता है कि वो खगड़िया में मिलता है, तो जब डिस्प्यूटेड रहता है तो वो आयोग जल्दी नहीं पूछता है। लेकिन इसका एंट्री पॉइंट क्लियर है कि वो सीतामढ़ी से निकलता है, सीतामढ़ी से निकलता है। तो बागमती का एंट्री पॉइंट हमको याद रखना होगा, बिहार में कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है सीतामढ़ी में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कमला। अब कमला भी जो है ना वो महाभारत श्रेणी से निकलता है, महाभारत श्रेणी से। तो होता ये है कि ये भी महाभारत श्रेणी से निकलने के बाद बहुत हद तक देर नीचे आता है, और ये भी अपना कोर्स तो बदलता ही बदलता है, ये भी मतलब शिफ्टिंग करता है और अलग अलग चैनल्स में ये बढ़ता है। तो कुछ भाग इसका मिलता है किसमें, बागमती मिल जाता है, और बाकी लार्जर पोर्शन वो कोसी मिल जाता है। तो ये निकलता कहाँ से है, तो ये जयनगर एक जगह है मधुबनी में, वहाँ से, देखो ये जगह है ना मधुबनी, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे मधुबनी में जयनगर एक जगह है, वहाँ से कमला इंटर करता है बिहार में, और बदला घाट एक जगह है खगड़िया में, वहाँ जाके मिल जाता है किसमें, बागमती में, यहाँ बागमती में मिलता है, ठीक है। इसका भी डिस्प्यूटेड है कि हम किसको माने, कि ये जो हमारा कमला है वो बागमती में मिलता है कि वो मिलता है कोसी में, हम किसको माने, है ना। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है। तो अगर एग्जैक्टली पूछे, अगर ये ऑप्शन आया तो आपको ये मानना, अगर नहीं दिया तो बेटर है। ऐसे इसमें उसका सोर्स ऑफ ऑरिजिन ये पूछ सकता है कि बिहार में कहाँ इंटर करता है, तो वो जयनगर मधुबनी में। ये हो गया हमारा कमला के बारे में। फिर आता है नदी कोसी। ये कोसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको ही पता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस बिहार में यहीं से पूछते हैं, इसको सौरव बिहार बोलते हैं, हवांग हो, बिहार भी कहते हैं हवांग हो, हवांग हो जैसे चीन में बहुत तबाही लाता है ना, वैसा ही तबाही बिहार में लाता है, इसलिए इसको हवांग हो ऑफ बिहार भी कहते हैं कोसी को। तो होता क्या है देखिए कोसी में, कि बेसिकली सुपौल में तो इंटर करता है, सुपौल, यहाँ पर देखिए सुपौल एक इलाका है यहाँ पे, और कटिहार में जाके कुर्सेला एक जगह है, वहाँ गंगा मिल जाता है। लेकिन इसके पहले क्या होता है, ये हिमालय का हमारा रेंज है अपर वाला पार्ट। अब इसमें जो है ना कैचमेंट एरिया जो वहाँ से निकलता है कोसी, वो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जो सिक्किम में है ना, उसके बीच में एक जगह है गोसाईनाथ, वहाँ से निकलता है हमारा कोसी। अब निकलने के बाद, यहाँ पे आने के बाद बेसिकली तीन चार और
मतलब दो नदी है और बाकी तीन चार मिला के ये सात नदियों की एक धारा बन, इसको हम लोग सप्तकोसी कहते हैं। तो सन कोसी हो गया, अरुण कोसी हो गया, साथ ही साथ तामूर और चारादर, ये सारी नदियाँ मिलके एक हमारा बनाती हैं सप्तकोसी। और इसी कोसी को हम लोग नेपाल में कहते हैं सप्तकोसी। अब नेपाल से होते हुए जब ये हमारा सुपौल में इंटर करता है ना, तो इसको हम बोलते हैं कोसी। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि दिस थ्री मीट है, जहाँ पे मीट करते हैं उसको बोलते हैं त्रिवेणी। और यही तीन, बेसिकली तीन यहाँ पे नाम है, लेकिन इसमें चार और छोटी छोटी नदियाँ मिली हुई हैं, तो इसको सप्तकोसी धारा बोलते हैं। तो यही सप्तकोसी नेपाल में होते हुए जब बिहार में घुसता है, इसको बोलते हैं कोसी। और बिहार से होते 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 ये मिलता है कटिहार में, ठीक है ना। कुसेला एक जगह है, कुसेला, कटिहार में जाके ये मिल जाता है गंगा से। तो ये बात हुआ हमारा क्या कोसी के बारे में। अब इसका अदर नेम की अगर हम बात करें तो संस्कृत में इसको बोलते हैं कौशिका, कौशिका। और अगर हम बात करें अदर नेम ऑफ, तो वो है हवांग हो बिहार। ठीक है, इसमें एक जो एक और चीज़ फैक्ट याद रखिए, जो करंट का इवेंट है कि बिहार में जो है ना इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हो रहा है, पूरे इंडिया में सेकंड है ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है ये। पहला कौन सा है, वो है केन बेतवा, यानी कि केन और बेतवा नदी। केन नदी जो मध्य प्रदेश की है और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश की, दोनों को हम मिला रहे हैं ताकि इंटरलिंकिंग का वाटर होगा तो वाटर शेयरिंग हो जाएगा हमारा, फ्लड की सिचुएशन हमारे कंट्रोल होगी, इरिगेशन को हम इरिगेशन को हम एक्सटेंड कर पाएंगे उन इलाकों में जहाँ पानी नहीं होता है। उसी के तर्ज पे सेकंड है, इंडिया का सेकंड इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है कोसी मेची। तो कोसी जो है वो हमारे यहाँ से आ रहा है, और मेसी जो है ना, मेसी वो हमारा महानंदा का एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो किशनगंज में तो कोसी को हम मेची नदी से जोड़ेंगे, तो हमारा जो सीमांचल का क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र पूरा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये वाला इलाका को अच्छे से वो इरिगेट कर देगा। ताकि इससे क्या होगा क्या कि हमारा कोसी का जो सरप्लस वाटर आता है ना बरसात में, कोसी का सरप्लस वाटर, उस वाटर को हम डाइवर्सिफाई करके कम पानी वाले इलाके, जैसे कि हमारा जहाँ पानी बहुत कम होता है या फिर जहाँ पर सूखा है थोड़ा बहुत, तो उसको हम डाइवर्सिफाई कर देंगे उस साइड, तो हम फ्लड से ही बच जाएंगे जो एक्सेस पानी आता है बरसात के दिनों में कोसी में। और साथ ही साथ वहाँ के किसानों को वो इरिगेशन का फैसिलिटी भी मिल जाएगा। तो एक तीर दो निशाना, तो ये आपको याद रखिए, कोसी मेची यहीं पे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हमारा शुरू होने वाला है। फाइनल लॉट मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का। ये बात हुआ हमारा किसका, कोसी का। तो ये हमारा नॉर्थ बिहार की नदियाँ, इसमें एक हमारा बसता है महानंदा। तो महानंदा कौन सा है, सबसे ईस्टर्न साइड का है, सबसे ईस्टर्न साइड की नदी कौन सा है, महानंदा है। ये बिहार में किशनगंज में घुसती है, कहाँ घुसती है, किशनगंज में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किशनगंज में घुसती है बिहार में, और बिहार के तीन डिस्ट्रिक्ट से होके निकलती है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अब ये गंगा को लेके है कि गंगा में कहाँ मिलती है, तो गंगा में जाके या बांग्लादेश में नवाबगंज में जाके मिलती है। इससे इतना क्वेश्चन नहीं बनता, इससे सिर्फ यही पूछेगा कि बिहार की सबसे ईस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी है, तो वो है महानंदा, इतना ही पूछता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉर्थ बिहार की नदियाँ। बिहार में कहाँ इंटर होता है, गंगा में कहाँ मिलता है, कहाँ और, या फिर गंगा में नाम में नहीं मिलता है तो फिर और कौन से इंपॉर्टेंट रिवर है मिलता है। साथ ही साथ इन सब नदियों पर कुछ कुछ हमें पढ़ना होता है कि कौन कौन से इरिगेशन सिस्टम चल रहा है। इरिगेशन का हम सेपरेट टॉपिक देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जब यहाँ पढ़ रहे हैं थोड़ा सा वो रिकैप कर लेते हैं कि ये जो हमारा जितनी नदियाँ हैं ना, उन नदियों पे कैनाल सिस्टम बनता है। तो बिहार में तीन बहुत मेजर हमारा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है, एक हमारा है गंडक, एक है सोन और एक है कोसी। साथ साथ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो छोटे मोटे हैं, और भी बातें चल रही हैं इसको एक्सपैंड करने के लिए, कैनाल सिस्टम से जोड़ने के लिए। और ये जो सोन है ना, सोन, इस सोन में आज़ादी के पहले से जो हमारा एक कैनाल सिस्टम चल रहा है ना, वो हमारा कौन सा है, सोन कैनाल है, आज़ादी के पहले से। तो ये हमारा थोड़ा बहुत वेल डेवलप्ड है, इसलिए आप देखोगे कि जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार है ना, ये वाला पार्ट, कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, आरा हो गया, फिर औरंगाबाद हो गया, ये आपको कैनाल सिस्टम से बहुत ज़्यादा इरीगेटेड है, बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड है। इस कारण से कंपेरेटिवली इस एरिया में इरिगेशन, पूरे बिहार में जितना कंपेयर करोगे ना, तो इस एरिया में कैनाल सिस्टम से इरिगेशन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन पूरे बिहार में बात करें, पूरे बिहार में, तो वो ट्यूबवेल है, यानी कि पूरे बिहार में जो इरिगेशन बात करें तो वो सबसे ज़्यादा किससे होता है, ट्यूबवेल, यानी कि नलकूप।
अब इसी नलकूप को बढ़ावा देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को सरकार कुछ नलकूप योजना भी चलाई है, वो आप बताइएगा, लिखिए कमेंट में। मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था पोस्ट के माध्यम से। तो हम बात करें जब नलकूप यानी कि ट्यूबवेल का, एज ए होल बिहार में सबसे ज़्यादा इरीगेशन ट्यूबवेल से होता है, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल। लेकिन उनमें से भी कौन से इलाका में ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा होता है? तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो बिहार का है ना, ये वाला पार्ट वेस्टर्न, जैसे कि आपको वेस्ट चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, फिर उसके बाद सिवान, गोपालगंज, ये सब इलाका जो हो गया ना, यहाँ आपको होता है नलकूप ट्यूबवेल से, ठीक है। और कोसी तो यहाँ पे है ही। तो इनमें अगर केनाल सिस्टम की भी बात करें ना, तो थोड़ा सा और अलग अलग डिटेल में, तो सोन केनाल से दो निकलती हैं, ईस्ट सोन केनाल और वेस्ट सोन केनाल। तो जो ईस्ट सोन केनाल निकलती है ना, वो बारून से होते हुए इधर पटना गया, इस पटना औरंगाबाद जहानाबाद ये सबको करती हैं। और जो वेस्ट केनाल है ना, वेस्ट सोन केनाल, वो आपको इधर की इलाका जो है ना, कैमूर, रोहतास, आरा, बक्सर, इन सबको वो सींचती है, यानी कि इरीगेशन प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें गंडक का ना, तो गंडक नदी से भी बहुत सारे केनाल सिस्टम निकले हुए हैं, उसमें हम बात करेंगे। तो एक तो हमारा होता है ईस्ट सोन कैनाल, ईस्ट गंडक कैनाल, वेस्ट गंडक कैनाल। तो ईस्ट वाले को बोलते हैं तिरहुत कैनाल, वेस्ट वाले को हम क्या बोलते हैं कैनाल सिस्टम को, वेस्ट वाले कैनाल सिस्टम को बोलते हैं सारण कैनाल। उसके बाद भी अगर बात करें तो यहाँ पे वाल्मीकि नगर से हमारा एक और निकलता है, एक दो और निकलते, तेउर हो गया, ढाका हो गया, तेउर हो गया, ढाका हो गया, ये सब तीन चार हमारे यहाँ से डैम, यहाँ से कैनाल सिस्टम निकले हुए हैं गंडक से। उसी तरीके से अगर हम बात करें कोसी का, तो कोसी में भी ईस्ट कोसी हो गया, ईस्ट कोसी कैनाल हो गया, यहाँ से फिर वेस्ट कोसी कैनाल हो गया। अब ईस्ट कोसी से ही राजपुर कैनाल निकलता है, ठीक है ना, जो हनुमान नगर से हमारा हनुमान नगर में है ना, वहाँ से निकलता है। तो ये बात हुआ वेस्ट कोसी कैनाल का। छोटे मोटे अगर और बात करें तो लोकाइन हो गया हमारा नालंदा में, लोकाइन, लोकाइन हो गया। फिर बटाने एक प्रोजेक्ट है हमारा, बटाने इरीगेशन, वो हमारा औरंगाबाद में हो गया, जो कि झारखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फिर बटेश्वर नाथ हमारा भागलपुर में हो गया, और छोटे मोटे कई हैं। साथ ही साथ और भी कई सरकार की योजनाएं हैं जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के लिए काम कर रही हैं, साथ में कैनाल सिस्टम को एक्सटेंड करने के लिए कर रही हैं, ठीक है। तो ये बात हुआ हमारा रिवर सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत ब्रीफ हुआ इरीगेशन सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साउथ बिहार की नदियों के बारे में, कि नदियाँ कहाँ मिलती हैं बिहार में और गंगा में कहाँ मिलती हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे जो वो बनाती हैं। क्लियर है? तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। टिल देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।